तो हाँ जी दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक और न्यू गेम प्ले सीरीज में। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं खेलने जा रहा हूँ एक न्यू गेम जो कि है पेट शॉप सिमुलेटर। मेरे सब्सक्राइबर ने मेरे को कमेंट सेक्शन में रिकमेंड किया था कि भाई आप इस गेम को एक बार ट्राई करो। और आप देख सकते हो जो नॉर्मली गेम स्टार्ट करने से पहले जो गेम के बारे में पता चल रहा है, जिसमें ट्रेनिंग होती है अपने डॉग्स वगैरह की और जो भी पेट्स हैं, देखते हैं कितनी वैरायटी के हमें पेट्स देखने को मिलते हैं। क्योंकि मुझे इसमें चिकन, रैबिट, पिग तो हमारी सप्लाईज कैसे हमें मिलेंगी जो कि हम ऑर्डर करेंगे। ये एक पेट शॉप सिमुलेटर है, ना कि कोई भी एनिमल रेस्क्यू। सीधा स्टार्ट करते हैं अपने गेम को। ऐसे ही आप भी अपने गेम्स जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो स्टार्ट होता है हमारे घर से। तो ये है हमारा घर, तो फटाफट से चलते हैं, हमें बस पकड़नी है अपनी शॉप के लिए। ओके, तो बाथरूम है, सो यस लेट्स गो, लेट्स गेट आउट ऑफ द हाउस। तो अभी वेट करते हैं, हमारी बस आ चुकी है और ये हमें ड्रॉप करेगी अपनी शॉप तक। हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो शुरुआत में हमें गेम के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू प्रोग्रेस करते हैं। लेट्स सी, गेम के ग्राफिक्स थोड़े ठीक लग रहे हैं। आप बताना कमेंट सेक्शन में आपको गेम कैसा लगा। और भाई थैंक यू, आपने रिकमेंड किया गेम, एटलीस्ट आप इंटरेस्ट तो ले रहे हो। सो फटाफट से अपनी शॉप को बाय करते हैं। यस आई वांट टू परचेज। तो अपने $100 कट चुके हैं और आप देख सकते हो शॉप अपनी हो चुकी है। अब इसको शुरुआत में सबसे पहले इसको लोगो भी देना होगा और शॉप का नाम भी रखना होगा। तो चलते हैं अंदर। सबसे पहले लोगो आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में मैं कौन सा रखूं। मुझे ये वाला काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे, लास्ट यही है, तो यही अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें दोनों फ्रेंडली नेचर लग रहे हैं फुल साइज़। और नेम रखते हैं योर पेट। थोड़ा सा देखने में अच्छा भी लग रहा है। यस, और साउंड इफेक्ट भी काफ़ी अच्छा है। लेट्स सी, तो ऑब्जेक्टिव 1 कंप्लीट हो चुका है, तो हमारा पार्ट 2 स्टार्ट हो चुका है। तो शुरुआत में ये जो शॉप है वो गंदी है, तो मैं फटाफट से इसको क्लीन करके आपसे मिलता हूँ। सो ऑल राइट गाइस, आप देख सकते हो मैंने प्रॉपरली एक एक चीज़ को यहाँ से साफ कर दिया है। और अब अपना ऑब्जेक्टिव आ रहा है, कंप्यूटर में चलते हैं डेस्क पर और हमें कुछ अपने फर्नीचर ऑर्डर करना है। तो फटाफट से जो भी हमें टास्क आ रहे हैं वो हम टास्क करते जाते हैं। फूड आइटम्स भी हैं, यस, लेकिन ये एक एक क्वांटिटी में होंगे, आई थिंक शुरुआत के लिए इतना ही बहुत है। और जितने हमारे पास डोनर्स होंगे हम उतने ही मंगा पाएंगे। इतने से मैं आप देख सकते हो $50 हमारे जा चुके हैं। और आप देख सकते हो हमारा प्रॉपरली जो पबजी या BGMI की जो ड्रॉप होती है उसकी तरह हमारा सामान आ रहा है। भाई बहुत बढ़िया है ये, देखने में तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। फटाफट से मैं आपको जाके दिखाता हूँ, भाई प्रॉपर उसी की तरह आ रहा है। और फटाफट से इसको आने देते हैं और फिर लगाते हैं। ये देख सकते हो आप, आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाती है। आप एक ही बारी में इस सामान को आई थिंक अपनी इन्वेंट्री में रख सकते हो। तो ये आपका कार्गो एरिया, यहाँ पर आप जो भी सामान मंगवाओगे वो आपका सीधा यहीं आएगा। और फटाफट से अब चलते हैं अंदर और सामान को लगाना शुरू करते हैं। तो मार्केट, इन्वेंट्री, फर्नीचर, थोड़ा सा मैं गेम साउंड को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। यस, फटाफट से प्लेस करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जगह भी आ गई है। आई थिंक शुरुआत में गेम आपको गाइड कर रहा है कि आपको कैसे कैसे काम करना है, फिर उसके बाद ये आपके ऊपर ही छोड़ देगा, जैसे आपको करना है वैसा आप कर सकते हो। सो ऑल राइट, तो हमारा लास्ट आई थिंक इन्वेंट्री का आइटम रहता है, तो उसको भी प्लेस कर देते हैं। यस, तो ये प्लेस हो चुका है। सो ऑल राइट गाइज, गो टू द मेन डोर। यस, और अपनी शॉप को करते हैं अब ओपन। अपनी शॉप जो वो ओपन हो चुकी है और अब वेट करते हैं कस्टमर्स के आने का। और गाइस अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी पसंद का कोई गेम खेलूं, तो वो चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हो। और प्लीज़ ट्राई करना कि वो कोई नॉन पेड गेम हो, मतलब वो एक फ्री गेम हो, क्योंकि भाई शुरुआत में मैं अभी इस टाइम पर कुछ भी अर्न नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता। बट इन फ्यूचर डेफिनेटली अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर काम ज़रूर करूँगा, पेड गेम्स भी ट्राई करूँगा इन फ्यूचर। सो कस्टमर को अटेंड करते हैं। यस, सर्च करते हैं अपने पास है या नहीं। तो एक आइटम था, कस्टमर बड़ा खुश होकर गया है और इससे आई थिंक अपनी रेटिंग भी बढ़ती है। सर्च करते हैं इस आइटम को और सेल कर देते हैं 542। और आई थिंक ये अपना लास्ट कस्टमर है क्योंकि अभी तक ट्यूटोरियल चल रहा है। लेट्स सी, इसको भी अटेंड करते हैं।
और आई थिंक ये हमारा लास्ट आइटम था जो हमने परचेज किया था। तो फाइनली हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो कंप्लीट हो चुका है और सारे टास्क भी कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ शॉप इज़ रेडी टू गो मेक परचेजेस फ्रॉम मार्केट एंड डिस्प्ले आइटम फॉर सेल बेस्ड ऑन मार्केट डिमांड। ओके, तो $5,000 ये हमें वापस से दे रहे हैं टू स्टार्ट आवर बिजनेस। तो फटाफट से चलते हैं। एनिमल मैं सोच रहा हूँ एक एक एनिमल भी ले लिया जाए। तो आप देख सकते हो कितनी वैरायटी के एनिमल अवेलेबल है भाई साहब। डॉग की ब्रीड में तो मेरे को सबसे जो दो ज़बरदस्त लग रहे हैं वो है एक तो डॉबरमैन और बुलडॉग। आपको इनमें से कौन सा सबसे ज़बरदस्त लगा वो चीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताना। गोल्डन रिट्रीवर, ओके इसमें सिर्फ रिट्रीवर है, गोल्डन नहीं है। तो हमारे पास फिश की वैरायटी भी अवेलेबल है जिसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। और फार्म एनिमल भी हमारे पास। तो यार ये वाइट चिक और येलो चिक कितने प्यारे लग रहे हैं भाई। वाइल्ड रैबिट, भाई ये चूहा ज़्यादा लग रहा है। ओके, तो रेप्टाइल्स भी अपने पास। ओ भाई इसमें से ये स्कॉर्पियन और सैलमेंडर तो मेरे को पॉइजनस लग रहे हैं। तो फटाफट से चलते हैं अपने लिए शुरुआत में एक नॉर्मल सी कैट ऑर्डर कर लेते हैं और एक बेसिक प्राइस का डॉग। फिश आई डोंट थिंक सो मैं फ़िश मंगा सकता हूँ, तो फटाफट से बाय कर लेते हैं। सो ऑलराइट, और मेनली जो है वो मैं आइटम बाय कर लेता हूँ। फूड्स, ये एक डॉग फूड, डक फूड का तो मैं क्या ही करूँगा। तो अभी के लिए जैसे जैसे डिमांड आएगी ना वैसे वैसे मैं सामान की जो क्वांटिटी है वो बढ़ा भी दूंगा। फ़िलहाल के लिए परचेज कर लेता हूँ, लेट्स सी। तो अभी अपने पास पैसे बचे हुए हैं तो क्यों ना और भी कुछ एड ऑन किया जाए। आई थिंक ये एक्वेरियम में ही आएंगी भाई। 1500 की सबसे पहली फ़िश, मैं तो बिना देखे ही मंगवाने वाला था भाई। ओके, फ़िलहाल के लिए ये सी आई चाइल्ड को मंगाते हैं, सी चाइल्ड, लेट्स सी। और फार्म एनिमल में यार ये दो बहुत प्यारे लग रहे हैं। एक तो अपना शिपमेंट जो है वो अराइव हो चुका है, फटाफट से चलते हैं। और एक मैं फ्रॉग मंगा लेता हूँ $350 का, लेट्स सी। सो अभी के लिए इतना सामान जो है वो काफ़ी है और फटाफट से चलते हैं। अपना ये जो सामान है ये मैं लगा लेता हूँ। और आपको ये गेम कैसा लग रहा है वो चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताना। और धीरे धीरे अगर आपको इस गेम की सीरीज़ चाहिए तो वो भी मैं आपके लिए लेकर ज़रूर आऊँगा। और अगर आपको शॉर्ट वीडियोज़ पसंद आती है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बता सकते हो। तो मैं यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ इन्वेंटरी, फूड, प्लेस, यस प्लेस एंड फूड। नो, मुझे बाय नहीं करना। सो ऑलराइट गाइस, ये बेसिक वीडियो थी, एक शुरुआती वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। और आप भी अगर आप चाहते हो कि मैं एमिकन सर्वाइवल के ऊपर एक सीरीज़ बनाऊँ तो वो चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताना, क्योंकि वो गेम अभी हाल फिलहाल में काफ़ी फेमस हो रहा है और मोबाइल के लिए पैल वर्ल्ड का बेस्ट एक्सपीरियंस आई थिंक वही दे रहा है। तो वो चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताना। तो मैं आपको मिलता हूँ एक और न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।